की एक्सएमएल बना, एक्सएसएल बना के, सही। अब यहाँ आके हमें डेटा दिखाना है किस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। बेटा टेबल का टैग क्या होगा, और टेबल का टैग सबसे पहले बता देता हूँ किस में होता है, एचटीएमएल में, सीएसएस में, जावास्क्रिप्ट में, एचटीएमएल में। तो उसके लिए फिर यहाँ पर टैग लगाएंगे किसका, एचटीएमएल का। और एचटीएमएल में सारा काम हम हेड में करते थे या बॉडी में, बॉडी में। यहाँ पर टैग लगाएंगे किसका, नहीं अब उसको बता रहे ना, HTML कर रहे हैं। और HTML के अंदर भी चीजें किसके अंदर होती हैं, बॉडी के अंदर। कौन सा टैग लगाना है हमें, टेबल का। टेबल का टैग क्या होता है, टी टेबल का टैग टेबल होता है। और टेबल के अंदर और क्या होता है, पहली रो के अंदर हम मोस्टली क्या दिखाते हैं, हेड। हमारे पास कितना डेटा है, नाम, सीएनआईसी, अकाउंट टाइप और बैलेंस। तो यहाँ आके सबसे पहले हम बोलेंगे यूजर का नाम, नाम। अच्छा मैं खुद से क्यों बना रही हूँ ये, टी एच, और टी एच के अंदर नेम। क्या क्या डेटा था, क्या क्या था, और अकाउंट टाइप। ये नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं इस तरह। ये तो हो गई हेडिंग। अब हेडिंग के बाद मुझे बताओ इस वक्त कितने रिकॉर्ड है इसके अंदर, तीन रिकॉर्ड है। यानी तीन दफा हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो एक ही काम बार बार करना पड़ेगा स्टाइल का, एक ही काम जब बार बार करना होता है तो हम उसके लिए क्या सी में क्या लगाते थे, लूप लगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे लूप। कैसे लीव शुरू करेंगे, सब टैग से काम होगा, हर चीज से पहले क्या लिखेंगे, यहाँ जो लूप होती है, लूप आपने पढ़ा है कौन सी होती थी, फॉर वाइल डू वाइल। यहाँ पर जो एक लूप है ना उसका नाम है फॉर ईच, जो अभी आप सी शार्प में ही पढ़े। इसके अंदर आप लिखते हो सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर बताते हो आपका मेन टैग कौन सा है, मेन टैग कौन सा है, बैंक। बैंक के अंदर कौन से टैग्स को टेबल में कन्वर्ट करना है, कस्टमर। हम बोल रहे हैं हमारे पास कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है, कस्टमर का टैग। और कस्टमर का टैग किसके अंदर है, बैंक के अंदर। ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हमें एक ही बार लिखना पड़े, इसलिए हमने क्या लगाई है, लूप। और लूप यहाँ पर कौन सी यूज होती है, फॉर ईच। और अब लूप के अंदर अब हमें दूसरी रॉ बनानी, तो वापिस किसका टैग इस्तेमाल करूँ, टी आर। और टी आर के अंदर डेटा रखना है तो टी डी। अब टी डी के अंदर तुम देखना, अब डेटा शो करवाना है। डेटा शो करवाने के लिए यहाँ पर यूज होगा एक्सएसएल वैल्यू फॉर। मतलब कस्टमर के अंदर तो इतने सारे टैग्स बने हुए, कितने टैग्स हैं, चार। नेम, सीएनआईसी, अकाउंट टाइप और पता नहीं वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू शो करवानी है, हमने यहाँ के बोला सेलेक्ट। जिस भी टैग का नाम लिखना है तो उसके लिए क्या लिखना है, यहाँ पर सेलेक्ट। और मुझे बताओ पहला कस्टमर के अंदर टैग कौन सा है, नेम। तो कस्टमर के अंदर जितने नेम है फॉर ईच की वजह से, अभी तो कितने नेम के टैग्स हैं, तीन। इस फॉर ईच की वजह से सब हमें यहाँ पर कितनी बार लिखने की जरूरत पड़ेगी, एक एक बार। तो करते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ये दूसरी किसके लिए होगी, बेटा यहाँ पर वही नाम लिखना जो आपके वहाँ नाम रखे हुए टैग्स के, अपनी मर्जी से हम ये चेंज नहीं कर सकते। बस खत्म। अब इस फाइल को
को हमें, यानी जो टेबल है बनाया है हमें, हमने ये हमें किस पर अप्लाई करना है? इस फाइल के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि डेटा किसके पास है? बैंक एक्सएमएल के पास है। इसको लिंक कैसे करते हैं? वैसे ही लिंक करते हैं जैसे सेम टू सेम सीएसएस की एक्सएमएल स्टाइल शीट वापस टाइप। जब भी डेटा पहले एचटीएमएल में जाते तो किस में जाता है? अब स्टाइलिंग सीएसएस कर रहा है, नहीं एचटीएमएल। स्टाइलिंग कौन कर रहा है? मैंने बताया दो तरीके हैं स्टाइलिंग करने की, एक सीएसएस और दूसरा एक्सएसएल। एक्सएसएल तरीका एक्सएमएल को ऑफिशियल तरीका है, इसी से इसमें स्टाइलिंग। और अब यहाँ पर तीसरी चीज आप क्या दोगे? फाइल का नाम क्या है? My XML. अच्छा यहाँ पर जो एड्रेस लिखाओगे ना उसमें लिखा होगा HTTP S, यहाँ S नहीं आता यहाँ पर, ठीक है? आपने ये लाजमी हटाना है, लगा रहने देंगे तो क्या होगा? पहले इसको चला के देखते हैं कि इसको भी किस, जो डेटा हमारा सब कुछ है इसको किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? टेबल में। टेबल को ना क्या दे देते हैं? बॉर्डर। और यहाँ मैंने खूबसूरत सी हेडिंग डालते हैं कस्टमर डेटा, और इसको कर देते हैं, आपको तो पता ही है मेरी स्टाइलिंग के बारे में। अब इसको चला के देखते हैं, इसको लाइव सर्वर नहीं है। अच्छा ये क्योंकि ना कभी कभी एक्सएसएल मसला करता है तो ये लाइव सर्वर से तो हमेशा चल जाता है। ओके, यानी इसमें हमने क्या करी हुई? गलती कर दी, जब भी लोड हुआ ही नहीं। गलती करने का एक तरीका है तो हम बुड्ढे उठाएंगे, ढूंढते ढूंढते F12 करके ना यहाँ से ढूंढे ये वाला एरर, अनसेफ। तो बेहतर है यहाँ पर क्या चला के खोलो? लाइव सर्वर। सॉरी लीवर सर्वर, वो समझदार है, वो कौन समझ जाता है। नहीं लाइव सर्वर नहीं चल रहा। उसमें मैसेज किया कितने बजे आना है? अब बास भाई के दिमाग में पता नहीं क्या आया, बोले 3 बजे आना है। सही बोला, हाँ ये 2 बजे।
अरे भैया चल आया है इंडिया में ना आया ना इसलिए इनको मजाक कर लेते मैंने तो बोला 60 मैसेज और मैसेज पे लिखा हुआ 3 बजे 3 बजे 3 बजे तुम डर गए मैंने कहा बात चल रही पूछा होगा मैंने कहा ओके चल गया देयर इज सम मिस्टेक वो दस्ता गलती नहीं है आपकी आई यहाँ पर ये शून्य हो रहा यानी यानी वैसे लिंक तो गलत नहीं कराया नो सब कुछ एडिट टैग क्लिक ये मुझे पन्नी के पास आए गलती से ही मुझे सीखी जल्दी रहे कौन नहीं छोड़ के घर आए क्या